नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। कोविड से पाक रियासत कर्नाटक की तामीर में अहम किरदार निभाने की अपील। कोविड से पाक रियासत की तामीर को मुमकिन बनाने के मकसद से रियासत भर में शुरू किए गए कोविड वैक्सीन को लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करें, क्योंकि हर वो शख्स जिसकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है इंजेक्शन लगा ले और कोविड से पाक बनाने में अहम किरदार अदा करे। सरकार ने बताया है कि कोविड वैक्सीन लेने से किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके बारे में जो फैलाई जा रही है कि अफवाहों पर कान ना धरें। सीनियर सिटीजन्स समेत 45 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद भी किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचकर टीका लगवा लें। कोविड पर मुकम्मल काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत। कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरी इलाकों में भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के सबब से कोविड रहनुमा हिदायत पर सख्ती से अमल की करने की जोर दिया गया है। कर्नाटक की हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 4 रोज़ा कोविड वैक्सीन पूरे कर्नाटक में दिए जा रहा है। इससे आवाम में इसके ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए ज़रूरी इकदाम भी किए जा रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए आवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोविड का ज़्यादा से ज़्यादा फैलना सबके लिए ख़तरा है। इसके लिए सब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, यानि फासले को बरकरार रखें, चेहरे पर मास्क डालें और कोविड वैक्सीन लेने की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कोशिश करें और हुजूम में ना जाएं। इस तरह की हिदायतें कर्नाटक की सरकार ने आवाम को दी है। इस पर खुसूसी तवज्जो देकर सेहत को बरकरार रखते हुए कोविड से बचने की कोशिश करें। वज़ीर आला बी.एस. येडियुरप्पा ने पीर के रोज़ कहा है कि कर्नाटक हुकूमत एक हफ्ते में वबाई बीमारी को काबू में लाने पर कर्फ्यू नाफिजा करने दीगर इकदाम पर अमल दरामद का फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल रियासत में लॉकडाउन का फैसला नहीं किया गया। दूसरे अज़ला में हालात ख़राब हुई तो वहाँ भी नाइट कर्फ्यू होगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे पहली बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि मुलाकात नहीं करना, देखिए ये मेरे सामने जो किताब है ये है सहीह मुस्लिम। ये देखिए आप, ये सहीह मुस्लिम है, ये बुखारी शरीफ के बाद सबसे अहम तरीन किताब है हदीस शरीफ की। इसमें क्या फरमा रहे हैं कि थकीफ़ का एक ख़ानदान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत करने के लिए आया, यानी शेक हैंड करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, मुलाकात करने के लिए आया। उनमें एक शख्स ऐसा था जिसको बीमारी थी, जो कॉन्टेजियस डिजीज़ थी, वो मतलब मुतादी बीमारी थी, टच करने से फैलती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से मुलाकात ही नहीं की। देखिए यहाँ पर काना फी वफ्दी थकीफ़ रजुल मजज़ूम फ़अरसला इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना क़द बायअनाका फ़र्जिअ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हम मुलाकात किए बगैर ही वहीं से फरमा दिए, हमने आपकी बैअत को कबूल कर ली है, आपको बैअत कर ली है, लिहाजा आप पलट जाइए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे वक्त में मुलाकात नहीं करना सुन्नत है। और हाथ मिलाना क्या है? जब सलाम करते हैं हाथ मिलाना, मुसाफहा, शेक हैंड करना, ये सुन्नत है। शेक हैंड करना सुन्नत है और ऐसे मौके पर शेक हैंड नहीं करना सुन्नत है। ये बात आप जहन में रख लीजिए। और एक एक बात इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 2, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके सिम्टम्स और
उसके निशानियां तकरीबन 8-10-15 दिन के बाद ज़ाहिर होते हैं, तो किसके अंदर वायरस है नहीं मालूम होता है। ऐसे टाइम पे एहतियात करना लाजिम है। ये देखिए मुस्लिम शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, फरमाते ला यूरिदु मुमरिदुन अला मुसिह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बीमार कोई सेहतमंद आदमी से मुलाकात ना करे, किसी बीमार को पेश मत करो सेहतमंद आदमी के, ये उस वक्त के लिए है ये अहकाम जबकि बीमारी फैलने वाली बीमारी हो। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि घर से नहीं निकलना। देखिए ये सही हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जब कभी कोई फैलने वाली बीमारी पड़े फलैस रजुलुन यक़ा अत्ताउन फयमकुसु फी बैती, यानी किसी फैलने वाली जब बीमारी आ जाए जिससे मौत आ सकती हो, ऐसी बीमारी जिस वक्त फैले तो अगर कोई आदमी अपने घर में बैठा रहा, अपने घर में बैठा रहा सब्र करते हुए मुहतसिबन और इस नीयत से कि सवाब मिलेगा, ये नहीं कि आप मस्जिद को जाएंगे और कहीं और जाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं, ऐसे टाइम पे कहीं नहीं जाएंगे घर में बैठेंगे तो अल्लाह ताला ज़्यादा सवाब देगा। जी यालमु अन्नहु ला युसीबु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ईमान कमज़ोर है, उसको यकीन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उसको यकीन है कि उसको वही होगा जो अल्लाह ने लिखा है, उसके बावजूद वो घर में बैठता है एहतियात करता है। इल्ला काना लहु मिस्लु अजर शहीदिन, अल्लाह तबारक व तआला उसको शहीद का दर्जा देगा बस घर पे बैठे, भले उसको बीमारी लगे ना लगे वो एहतियात रहे वो घर में बैठा रहे, उसको अल्लाह तबारक व तआला एक शहीद का सवाब देता है। पॉइंट नंबर 4, अगर किसी को बीमारी लग जाए, अगर कोई शख्स को बीमारी लग जाए और उसको छींक आ रही हो, नज़ला जा रहा हो या कोई ऐसे आसार गले में महसूस हो रहे हैं, उसके बावजूद घर में बैठा हुआ है, नहीं भाई क्वारंटीन में ले जाके डाल देंगे, आइसोलेशन में ले जाके डाल देंगे, अलग कर देंगे बोल के अगर घर में बैठा हुआ है तो उन बीमारी फैलाने वाला बन जाता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ इजाज़त नहीं दिए कि आदमी बीमार हो और घर में बैठा रहे, नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह अला ना तदावा, या रसूल अल्लाह बीमार हुए तो हम इलाज नहीं करके बैठे रहना क्या, काला नाम या इबाद अल्लाह तदाव, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हाँ हाँ बिल्कुल ए अल्लाह के बंदो फौरन इलाज किया करो, फौरन दवा लिया करो। लिहाजा अगर किसी के अंदर सिम्टम्स ऐसे जाहिर हो रहे हैं, किसी को ऐसा नज़र आ रहे हैं तो ये आप मत समझो कि मैं छुप जाऊँगा घर में बैठ जाऊँगा इससे महफूज रहूँगा, नहीं, आपके घर में बैठ जाने से आपके घर वाले भी मुतासर हो सकते हैं, दोस्त अहबाब, आप खुद नहीं मरेंगे बल्कि सबको लेकर मरेंगे।